अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको और वो किस तरह से करना है वो आज हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टेंस 12 होते हैं। ओके, 12 मतलब टेंस तो तीन ही होते हैं बट तीनों के चार चार भाग होते हैं, सब मिलाकर हो जाते हैं 12। ओके फ्रेंड्स, तो 12 टेंसेस की प्रैक्टिस हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे जहन में अच्छी तरह से घर कर जाए और जब भी हम सेंटेंस इंग्लिश में बोले तो कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। ओके फ्रेंड्स, अपने आप फिर निकलेगा प्रैक्टिस करने के बाद। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप इसे देख लीजिए एक बार ध्यान से, इस बोर्ड को आप अच्छी तरह से देखिए किस तरह से लिखा है। पहले प्रेजेंट है, ये पास्ट है और फ्यूचर है। यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, चारों टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, चारों तीनों में चारों हैं। तो सबका हम आज प्रैक्टिस करने का तरीका सीखेंगे और ये बहुत ही अच्छा वे है। मैंने बहुत सारे लड़कों को बताया है और उन्होंने ऐसा किया और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस ले लिया, कोई भी सेंटेंस ले लो आप, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, पहचानने का नियम समझ लिया, कोई भी इंग्लिश में एक सेंटेंस उठा लो और फिर इसका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों बनाते चले जाओ प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस। वह स्कूल जाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो सब जितने भी इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के इंडेफिनिट का हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, पता होगा, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए गो में ईएस लगा है, गोज लगा है, अदरवाइज एस आई एस नहीं लगता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट न हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, एक सेंटेंस उठाना है, ही गोज टू स्कूल, प्रेजेंट पास्ट क्या हो गया, ही वेंट टू स्कूल, फ्यूचर क्या हो जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा, आई गो टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, ऐसे प्रैक्टिस करो। फिर दूसरा है, वह स्कूल जा रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, वह स्कूल जा रहा है। तो जा रहा है, जब भी रहा है, रही है, लास्ट में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इजार में लगता है और क्रिया में आईएनजी लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब अगर इसका पास्ट बनाना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कई दफ़े कि जो भी सेंटेंस इजार से बनता है उसका अगर पास्ट है, था थे थी लास्ट में आ गया, तो वाज वर आ जाता है इजार की जगह पर। तो यहाँ पर ही इज गोइंग टू स्कूल है, तो इज की जगह पर हम वॉज लिखते हैं अगर वो था थे थी में हो तो। वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, वो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर एंड कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस हो गया वो। तो स्कूल जा रहा होगा, पता है आपको स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेशन पता है आपको, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके फ्रेंड्स, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अभी तीसरा टेंस है, वह स्कूल जा चुका है, ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल गया है, या स्कूल चला गया है, ये हम कई तरीके से बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो गया, एकदम काम पूरा हो गया है, लेकिन वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, लास्ट में उस सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो जरूर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका होगा, या वह स्कूल जा चुका रहेगा, या जा चुकेगा, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, वे हैं।
तो इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू स्कूल। अब आपको पता है कि जो सेंटेंस हैज़ हैव से बनता है उसके पास्ट में सिर्फ हैड लगा देना होता है और कुछ नहीं। तो वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गोन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गोन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गोन टू स्कूल। अभी चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसमें भी आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि तीनों टेंस में सिमिलरिटी क्या है, और हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो क्या बदलाव आता है, और पास्ट से हम फ्यूचर में जाते हैं तो क्या बदलाव आता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, तो चौथा है वह दो सालों से स्कूल जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस VING प्लस सिंस फॉर प्लस ड्यूरेशन। ये आपको फॉर्मुलेशन पता ही होगा। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। इसमें 2 सालों से है इसलिए फॉर लगता है। अगर साल का नाम दिया होता है कि 1984 से 2002 से, तो वहाँ पर सिंस आ जाता क्योंकि परफेक्ट टाइम दिया वहाँ पे। वह 2 सालों से स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर हैज हैव लगा कर बनाया हमने, यहाँ हैड लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। वह 2 सालों से स्कूल जा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। तो ये चारों टेंस थे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम तीनों की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, और इस वे में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको वादा करके देता हूँ कि आप 1 महीने में इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। शुरू नहीं करेंगे बल्कि बोलने लग जाएंगे आप। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वे है। अगर आप इस तरीके से आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी सेंटेंस आप अपने जहन में उठा लीजिए। अगर कोई सड़क पर जा रहा है आदमी, तो उसको आप देख कर सोचिए कि वो आदमी आता है, That man comes, वो आदमी आया, That man came, वो आदमी आएगा, That man will come। आप तीनों टेंस में बनाते चले जाओ अपने मन में, ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके के सेंटेंस। ओके, वो कुत्ता भौंकता है, That dog barks, वो कुत्ता भौंका, That dog barked, वो कुत्ता भौंकेगा, That dog will bark। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस ले लो और उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आप कन्वर्ट करो इंग्लिश में और उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत ही अच्छा वे है। अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव में हम इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड भी हम कर सकते हैं। नेगेटिव का पहले करते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। अगर आपको फॉर्मुलेशन पता होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज लगाते हैं क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब होता तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, ही है इसीलिए डज लगेगा, ही डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सारा सब कुछ एक ही है बट डज और डिड का फर्क है बस। अगर प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डू डज की जगह पे डिड, और कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ही डजंट गो टू स्कूल, He did not go to school. Future, he will not go to school. वह स्कूल नहीं जा रहा है, He is not going to school. वह स्कूल नहीं जा रहा था, He was not going to school. अब दोनों में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पर is आर एम का सिमिलरिटी और was और ये दोनों अलग हुए खाली, बाकी सब सिमिलर है। ओके, He is not going to school. He was not going to school. सिर्फ यहाँ पर is लगा और वहाँ पर was लगा है, यही फ़र्क है बस, बाकी सब कुछ वही है। यही आपको समझना है कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट में हम बनाते हैं तो क्या सिमिलरिटी होती है और उसमें क्या बदलाव आते हैं और क्या एक जैसे ही रहते हैं। ओके, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल।
वह स्कूल नहीं गया है. ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल. वह स्कूल नहीं गया था. ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल. वह स्कूल नहीं गया होगा. ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. वह दो सालों से स्कूल नहीं जा रहा है. ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स. वह दो सालों से स्कूल नहीं जा रहा था. ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स. वह दो सालों से स्कूल नहीं जा रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए माइंड में, प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसको तीनों टेंस में आप ट्रांसलेट करते जाओ. ओके, और देखो ऐसे आप ट्रांसलेट करते हुए प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलते जाएगा, आपका जो माइंड है वो खुद शॉर्टिंग करता जाएगा कि इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है और क्या बदलाव आ रहे हैं. फिर आप जब भी किसी से बात करेंगे, एक महीने डेढ़ महीने की प्रैक्टिस के बाद, तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो बात करते वक्त इंग्लिश खुद ब खुद निकलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर आप कन्वर्सेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे. हम और थोड़ा एक प्रैक्टिस करते हैं. जैसे मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं. ओके, माई फादर टीचेज मी, माई फादर टाउट मी, पास्ट फ्यूचर, माई फादर विल टीच मी. इसका अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, माई फादर इज टीचिंग मी, पास्ट कंटिन्यूअस, माई फादर वॉज टीचिंग मी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, माई फादर विल बी टीचिंग मी. इसका अगर हम परफेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, माई फादर हैज टाउट मी, पास्ट परफेक्ट, माई फादर हैड टाउट मी, फ्यूचर परफेक्ट, माई फादर विल हैव टाउट मी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मेरे पिताजी मुझे 3 बजे से पढ़ा रहे हैं. माई फादर हैज बीन टीचिंग मी सिंस 3 o'clock. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मेरे पिताजी मुझे 3 बजे से पढ़ा रहे थे. माई फादर हैड बीन टीचिंग मी सिंस 3 o'clock. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मेरे पिताजी मुझे 3 बजे से पढ़ा रहे होंगे. अच्छा, एक बात और, मैं 3 बजे से बोल रहा हूँ कि 3 बजे से मुझे पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो पहले 3 बीत गया, 3 बजे से अभी तक पढ़ा रहे हैं, वो पास्ट की बात हो गई, मतलब बीत गई. लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आने वाले 3 बजे की हम बात करेंगे. ओके फ्रेंड्स, पहले वाले 3 की नहीं, जिसमें हमने पास्ट में बात किया पहले वाले की, प्रेजेंट में भी हमने पहले वाले जो 3 बज गया इससे पहले उसकी बात कर रहे थे हम, लेकिन फ्यूचर में कभी भी हम आगे की बात करते हैं, अभी से आगे की. तो 3 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे, यानी कि आगे का जो 3 आएगा, 3 बजे से मुझे पढ़ा रहे होंगे. तो मेरे पिताजी मुझे 3 बजे से पढ़ा रहे होंगे. माई फादर विल हैव बीन टीचिंग मी सिंस 3 o'clock. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, पास्ट में अगर बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, क्या तुमने चाय पी, डिड यू टेक टी, क्या फर्क हुआ दोनों में, इसमें डू का, इसमें डिड का, बस बाकी सब कुछ वही है. फ्यूचर, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे, तुम चाय क्यों पीते हो, Why do you take tea? अभी पास्ट में बोलेंगे, Why did you take tea? तुमने चाय क्यों पी. फ्यूचर, तुम चाय क्यों पियोगे, Why will you take tea? ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा वे है आपके लिए, किसी भी इंग्लिश सीखने वालों के लिए. और आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने कई सारे लड़कों को इस तरह का रास्ता बता के उन्होंने अपनाया, इसको प्रैक्टिस किया कुछ दिनों तक, और उसके बाद उनके लिए सब कुछ आसान हो गया. टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उनके लिए बाएं हाथ का काम हो गया. ओके फ्रेंड्स, आपके लिए भी हो जाएगा. सो डू इट फ्रेंड्स. अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट
करके ये बताया कीजिए कि और आपको क्या क्या सीखना है, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, 400 वीडियो डाल चुका हूँ, और अभी पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है मुझे कि और क्या पढ़ाऊँ। तो आप भी अपनी तरफ से कमेंट देंगे तो मुझे भी एक आइडिया आएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे पढ़ानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।